नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हो रोहिलोजी और आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप कहीं भी गोडाउन छोटा सा बनाए हो या बड़ा बनाए हो, अगर आपके गोडाउन में कीड़े की समस्या हो रही है, मतलब स्टोर ग्रेन पेस्ट लग रहा है, जैसे कि आप धान रखना चाह रहे हैं, आप गेहूं रखना चाह रहे हैं और उसको अगर स्टैक लगा के रखना चाह रहे हैं, छल्ला लगा के रखना चाह रहे हैं, तो अगर होता क्या प्रॉब्लम है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्राउंड में क्या है कि कीड़े लगे हुए हैं, अगर आप इसी पे धान या गेहूं रख दीजिएगा तो हो सकता है कि वो पूरा उसमें कीड़ा लग जाए और पूरा बर्बाद हो जाए। तो आज हम इसी का उपाय आपको बताने वाले हैं कि इसका छिड़काव कैसे करें, कौन सा इंसेक्टिसाइड डालें और कितना इफेक्टिव होगा, कितने लीटर में मिलाएंगे इसको, तो इन सब सारी बातों पे चर्चा होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, लिखा हुआ दिख रहा होगा, आप उसको हिट कर दें और आगे आने वाली बहुत अच्छी जानकारियां आपको मिलने वाली है कृषि से संबंधित। तो देखिए, ये पूरा अभी कचरा है, इसमें इसको साफ करवाया जा रहा है। जब ये पूरा साफ हो जाएगा तो इस पे हम स्टोर ग्रेन पेस्ट, मतलब कीड़ी लग गया हो या जिसको सुंडी बोलते हैं वो लग गया हो, इसको मारने के लिए इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कौन से इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करेंगे। देखिए, ये हमको यूज करना है इंसेक्टिसाइड जिसमें क्लोरोपाइरीफॉस 50% है और साइपरमेथ्रिन 5% है, इसी इसमें लिखा हुआ रहता है। कोई भी अगर आप इंसेक्टिसाइड खरीदेंगे तो उसमें जनरली इसी लिखा हुआ रहता है। इसी का मतलब होता है इमल्सीफाइड कंसेंट्रेंट। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप इसको पानी में मिलाइएगा तो ये अच्छे से घुल जाएगा और इसका कलर व्हाइटिश टाइप का हो जाता है पानी में मिलाने के बाद। मैं आपको ये भी बताऊंगा इसको मिलाना कैसे है। आप ये देख रहे हैं, ये है, किसी भी ब्रांड का आप यूज कर सकते हैं। कोई मैं स्पेशल ब्रांड नहीं बता रहा हूँ, बस केमिकल का कंपोजिशन बता रहा हूँ कि क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन का एक कोई भी आप इंसेक्टिसाइड खरीद लें। उसके बाद ये है डाइक्लोरवॉस, ये डाइक्लोरवॉस भी आपको यूज करना है। कितना एमएल यूज करना है ये भी बताता हूँ। किसान भाई, इसको क्या करेंगे कि इसके ढक्कन को खोलेंगे, ये 20 एमएल का ढक्कन है और अगर आपके गोडाउन में ज्यादा कीड़े हैं, अगर आप ज्यादा मारना चाहते हैं तो ये ढक्कन से भर कर दो ढक्कन 15 लीटर, ये जो आप स्प्रेयर देख रहे हैं ये 15 लीटर कैपेसिटी का है, आप इसमें दो ढक्कन डालिए। अगर कम है तो आप एक ढक्कन डालिए। आप मीडियम अगर यूज करना चाहते हैं तो 30 ml, मतलब एक ढक्कन और फिर आधा ढक्कन, ये 30 ml इसमें डाल दें, ये 15 लीटर पानी में। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये घुलेगा इसमें। उसके बाद ये 15 ml आपको डालना है डाइक्लोरवॉस, जो कि इसी में मिक्स होगा। ये दोनों केमिकल मिक्स करके 15 लीटर पानी में आपको पूरे गोडाउन में स्प्रे करना है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि इसको स्प्रे कैसे करना है। ये आप देख रहे हैं, इसको सावधानी से स्प्रे किया जा रहा है। जब भी आप स्प्रे करें तो सावधानी ये बरतना है कि मुंह पूरी तरह से ढक ले, क्योंकि कोई भी इंसेक्टिसाइड अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको भी हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकता है, आप पे भी खतरा है। तो आप उसको ध्यान में रखते हुए मुंह को पूरा ढक लें। और ये देखिए, फ्लैट टाइप स्प्रेयर आप यूज कर सकते हैं। ये स्प्रे किया जा रहा है, आप देख रहे हैं कैसे स्प्रे हो रहा है। पूरे में फ्लैट टाइप स्प्रेयर से आप इसको पूरा स्प्रे कर दीजिए, बढ़िया से स्प्रे कर दीजिए। जितने भी कीड़ा आपके गोडाउन में लगा है, जो भी कीड़ा लगा है, कीरी लगा है या घून लगा है, धान गेहूं रखने वाले जो भी गोडाउन आपके हैं उसमें अगर इस तरह के कीड़े लगे हैं तो वो सारे मर जाएंगे। और इसका छिड़काव हर 15 दिन पे कर सकते हैं, आप चाहें तो 10 दिन पे भी कर सकते हैं, जैसा इसमें असर हो। और ये पूरा छिड़काव करने के बाद इसमें फिर छल्ला लगाया जा सकता है। नीचे आप प्लास्टिक कवर से इसको ढक दें, नीचे ब्लैक प्लास्टिक आता है, काला प्लास्टिक आता है जो नीचे रखा जाता है, उसी के ऊपर स्टैक खड़ा किया जाता है। तो ये सब चीज आप देख रहे हैं कैसे स्प्रे किया जा रहा है। अगर आपके दीवार से सटाकर भी अगर आप रखना चाह रहे हैं, जनरली होता क्या है, जब भी हम स्टैक लगाते हैं तो दीवार से सटाकर नहीं लगाते हैं,
वहां फोकस कीजिए, उसी को दिखाइए। दीवाल से सटा कर नहीं लगाते हैं, दीवाल पे भी इस केमिकल का छिड़काव करें, इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करें, क्योंकि दीवाल से भी कीड़े आते हैं। तो आप पूरे दीवाल को, चारों दीवाल को अच्छे से छिड़काव कर दें चारों दीवालों पर, तब जाके आप कंप्लीटली इसमें अनाज रख सकते हैं, अच्छे से रख सकते हैं। तो किसान भाई, जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्टैक लगाने से पहले आप नीचे पूरा छिड़काव कर ले, उसके बाद स्टैक लगाएं। स्टैक लगाने के बाद भी आप हमेशा अपने अनाज में इसका छिड़काव करते रहें। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि ब्लैक प्लास्टिक नीचे रखा जाए उस। तो किसान भाई, आपने देखा कि किस तरह से हमने क्लोरोपाइरीफॉस, डाइक्लोरवॉस और साइपरमेथ्रिन, ये तीनों केमिकल मिलाकर, क्लोरोपाइरीफॉस, साइपरमेथ्रिन 30 ml मिलाएं, मात्र 30 ml मिलाना है, और डाइक्लोरवॉस 15 ml मिलाना है 15 लीटर पानी में, और मिलाकर अपने गोडाउन में छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद ही अनाज इसके ऊपर रखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रोहिलॉजी।